हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। सो आज हम जा रहे हैं आंवला की खट्टी और मीठी चटनी बनाने। जैसे हम जानते हैं आंवला अपने आप में इतना खट्टा होता है जो कुछ लोगों को नहीं पसंद होता है, तो आज हम खट्टी और मीठी चटनी बनाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी होती है और आप इसे घर पे आराम से इजली बना सकते हो और इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हमने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर रखे हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इसका क्या क्या प्रोसेस है और हम इसको कैसे बनाएंगे वेरी सिंपल तरीके से। सो लेट्स बिगिन। सो आंवला की चटनी के लिए मैंने यहाँ पे सामान रखे हुए, मैं आपको बताती हूँ हम क्या क्या डालने वाले हैं। तो आंवला धुल के काट के रखा हुआ है, फिर यहाँ पे जिंजर रखा हुआ है, इसको मैंने पील करके एंड कट करके रखा हुआ है छोटी छोटी पीसेस में। फिर आप ये देख रहे हो मैंने यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स, धनिया की पत्ती काट के धुल के रखे हुए हैं। एंड फिर हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च और कुछ लहसुन के पीसेस। फिर इस चटनी में हम जो मसाला और बाकी चीज़ें यूज़ करेंगे वो ये हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने हींग रखा हुआ है। हींग कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं तो आप उसको हटा भी सकते हो, बट चटनी में हींग का यूजली अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे फिर आप देख रहे हो क्यूमन सीड्स, जीरा, ये हम यूज़ करने वाले हैं। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीनी रखी हुई है क्योंकि जैसे हम खट्टी और मीठी चटनी बनाने जा रहे हैं, कुछ लोग खट्टा बहुत पसंद नहीं करते, तो उसके लिए आप थोड़ी सी चीनी यूज़ कर सकते हो, सो दैट आंवला बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होगा, वो खट्टा मीठा और अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हम क्या क्या सामान कितनी कितनी क्वान्टिटी में यूज़ करेंगे। तो अब मैं आंवला डाल रही हूँ उसमें। अदरक रखी हुई थी अदरक डाल रही हूँ। 3 से 4 पीस आप लहसुन का यूज़ कर सकते हो। मैंने 2 हरी मिर्च डाली हुई है। अब मैं इसमें तो हम धनिया डाल रहे हैं इसमें। अब जीरा हम यूज़ कर रहे हैं। जीरा एंड हींग मैं पूरा डाल ले रही हूँ क्योंकि इसकी क्वांटिटी सही है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। और मैं इसमें थोड़ी सी चीनी डाल रही हूँ, तो इससे चटनी हमारी खट्टी और मीठी बनेगी। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि, क्योंकि पूरा सूख जाएगा तो मिक्सी चलने में प्रॉब्लम होगी, हल्का सा मैंने पानी ऐड किया हुआ है। अब हम इसकी बनाएंगे चटनी। तो अब चटनी हमारी रेडी हो चुकी है, आप देख रहे हो ये आंवले की खट्टी मीठी चटनी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको निकाल रहे हैं और ये अब खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको आप खाने के साथ खा सकते हो, टेस्ट इसका बहुत ही यम्मी होगा क्योंकि बहुत खट्टा भी नहीं है, ये खट्टा मीठा टेस्ट है। तो आप तो खाने के साथ, आपको पराठे वगैरह के साथ खाने हैं तो आप खा सकते हो। ये आंवले की चटनी रेडी। सो आंवले की चटनी अब रेडी है खाने के लिए। प्लीज़ आप लोग घर पे बनाइए जैसे हमने बताया, उसके बाद हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये चटनी कैसी लगी। एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो इन फ्यूचर आपको ये वीडियोस मिलते रहे और आप घर पे ऐसे टेस्टी टेस्टी से खाने बनाते रहें। Thank you for watching. Bye-bye.